और मैं आश्वस्त हूँ यहाँ आकर के आप जाएंगे तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर भी आ पाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ स्तर पहुंची है और साल 2023 में 21.7 मिलियन पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर हाउस में संभाव उत्सव का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेश में समग्र स्थिति में महत्वपूर्ण विकास और सुधार देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। देखें तो पीआरसी ऑफिस या जो भवन हैं विभिन्न राज्यों और यूटीज के, वो उस प्रदेश के आने वाले अधिकारियों, राजनीतिक प्रतिनिधियों या चुने हुए प्रतिनिधियों के रहने और जाने की जगह हो गई। एक नया प्रयास जम्मू कश्मीर के पीआरसी और उनके ऑफिस ने शुरू किया है, जिसकी मैं सराहना करता हूं। जो बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार के लिए जाते हैं, एडमिशन्स के लिए जाते हैं, उनको बेहतर कोचिंग कैसे दी जा सकती है, इसके लिए भी एक प्रयत्न इन लोगों ने प्रारंभ किया है। और जम्मू कश्मीर की जो विशिष्टता है, जैसे अभी हाल ही में कई GI टैग हमने प्राप्त किए हैं, जो हमारा विशेष कौशल है, हस्तशिल्प, हथकरघा, हमारी पेपर मेसी, कॉलिन या बसोली पेंटिंग, इसकी एक प्रदर्शनी लगाई है, जो हमारे युवा विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार का जो विशेष फोकस है HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैं समझता हूँ कि उसकी एक प्रदर्शनी लगाई है। वहाँ की क्यूजीन कैसी है, आर्ट कैसा है, कल्चर कैसा है, ये देश के लोग जान सकें और जम्मू कश्मीर जाने के बजाय यहीं देख सकें जम्मू कश्मीर, मैं समझता हूँ कि उसका एक बहुत ही सराहनीय प्रयत्न है। मैं अपनी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 7 दिन इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने में आप सब सहयोग करेंगे, ताकि आपका भी योगदान जम्मू कश्मीर का भारत के साथ पूर्ण एकीकरण में हो सके। थैंक यू।